व्यूअर जी, हमारे पास कॉलर का डबल पीस है, तो सबसे पहले हम बड़े साइज वाले कॉलर को कपड़े पे चिपकाएंगे। उसके बाद हम छोटे साइज वाले कॉलर को यहाँ क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर की तरफ इसको सेट करने के बाद यहाँ पे चिपकाएंगे। कॉलर के पैकेट में ये फ्यूजिंग का एक्स्ट्रा पीस होता है, जिसको हमने कॉर्नर की शेप में कट किया है, तो इसको भी हम यहाँ पे चिपकाएंगे। ये कॉर्नर को स्ट्रांग बनाने के लिए यूज किया जाता है। व्यूअर्स, हमारे पास ये कॉलर का डबल पीस है, तो अब हम इसको इस पीस के ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करने के बाद यहाँ कॉर्नर से बढ़ाते हुए जहाँ हमने पेन का मार्क किया है यहाँ इस कॉर्नर तक लेके आएंगे और यहाँ हम धागे को सेट करेंगे और इसके बाद हम सिलाई को यहाँ तक लेके आएंगे और यहाँ दूसरे कॉर्नर पे भी हम यहाँ जहाँ हमने पेन का मार्क किया है यहाँ हम धागे को सेट करेंगे और यहाँ से सिलाई फिर यहाँ तक ला के हम इसको मुकम्मल करेंगे। तो अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम इस तरह से धागे को सेट करेंगे यहाँ इस कॉर्नर पे। और इस तरह से अब हम इस धागे को डबल करने के बाद यहाँ कपड़े के अंदर कर देंगे और यहाँ से हम टर्न लेंगे। यहाँ भी हम इस तरह से धागे को सेट करेंगे। और इस तरह से डबल करने के बाद हम यहाँ पे इसको इस कॉलर की अंदर की तरफ करेंगे। और यहाँ से हम टर्न लेंगे। व्यूअर्स, हमने तमाम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। कट करने के बाद हमने कैंची से यहाँ पे एक्स्ट्रा छोटे छोटे कट्स लगाए हैं और यहाँ कॉर्नर से भी हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है, यहाँ साइड से भी। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती चलूँ कि यहाँ हमने कॉर्नर से सिलाई को एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर फ्यूजिंग की ट्रिपल लेयर होती है और यहाँ कॉर्नर बहुत स्ट्रांग होता है, तो जब हम इसको पलट के सीधा करते हैं तो यहाँ कॉर्नर से हमारा कपड़ा हल्का हल्का सा डैमेज नज़र आता है, तो इसलिए हमने सिलाई को एक्स्ट्रा बढ़ाया ताकि जब हम इसको पलट के सीधा करें तो हमारा कॉर्नर से कपड़ा डैमेज नज़र ना आए। अब हम इसको पलट के सीधा करेंगे। तो इस धागे से हम कॉर्नर को हल्का हल्का से खींचेंगे और इस तरह से सीधा करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे कॉर्नर को भी पलट के सीधा करेंगे। व्यूअर्स, हमने कॉलर को पलट के प्रेस कर लिया है, तो कॉर्नर को स्ट्रांग बनाने के लिए पैकेट में ये प्लास्टिक के पीस होते हैं, तो इनको अभी हम यहाँ पे अंदर की तरफ सेट करेंगे और यहाँ अंदर की तरफ सेट करने के बाद यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे हम एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ भी सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। व्यूअर्स, हमारा कॉलर रेडी हो चुका है, अब हम बैंड कॉलर को अटैच करेंगे। व्यूअर्स,
कादर को रेडी करने के बाद अब हम बैंड कादर को तैयार करेंगे। तो बैंड कादर के लिए भी हमारे पास ये बैंड कादर का डबल पीस है। तो सबसे पहले हम इस बैंड कादर को कपड़े पर रख के चिपकाएंगे। अब हम इस दूसरे पीस को यहाँ सेंटर में ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ सेंटर में इस साइड पे सेट करेंगे। अब हम यहाँ हाफ इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ इस एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करते हुए यहाँ पे एक पैर के मार्जिन से ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब हम कॉलर को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे। इसी तरह से हम बैंड कॉलर को भी इस तरह से टर्न करेंगे। बैंड कॉलर का सेंटर करने के बाद यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे। अब हम सेंटर से सेंटर मैच करते हुए यहाँ से सिलाई यहाँ तक लेके आएंगे और फिर यहाँ से सिलाई यहाँ तक लेके आएंगे। व्यूअर्स, अब हम कॉलर को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे बैंड कॉलर के दूसरे पीस को हम इस तरह से यहाँ सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे इस तरह से सिलाई करेंगे और फिर बाद में इसको इस तरह से टर्न करेंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम कॉर्नर पे सिलाई को टर्न करेंगे और यहाँ पे हम इसको मुकम्मल करेंगे। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से इजाफी कपड़े को कट करेंगे और यहाँ कॉर्नर से भी इजाफी कपड़े को कट करेंगे। अब हम इसको पलट के टर्न करेंगे और आप किसी भी स्क्यूअर की मदद से यहाँ कॉर्नर को सीधा कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसको प्रेस करेंगे और कमीज से अटैच करेंगे। व्यूअर्स, हमने बैंड कॉलर के लिए कपड़े का डबल पीस लिया था। एक पीस पे हमने बैंड कॉलर को चिपकाया और दूसरे पीस को एक साइड से हमने बैंड कॉलर के साथ सिलाई किया और दूसरे साइड से हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। तो अब हमने इस एक्स्ट्रा मार्जिन के सेंटर में कट लगाया है। इसी तरह से हमने कमीज़ के बैक गले में भी सेंटर में कट लगाया है। तो यहाँ से सेंटर मैच करते हुए हम ये देखेंगे कि हमारा कॉलर कमीज़ के बराबर है या नहीं। तो यहाँ सेंटर से हम यहाँ तक मैच करेंगे और इसी तरह सेंटर से हम यहाँ से यहाँ तक मैच करेंगे। तो हमारा दोनों साइडों से हमारा ये गला बिल्कुल बराबर है। तो अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे।
फिर जब हम इस सिलाई पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। फिर हमने इस पूरी सिलाई पे छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब हम इस सिलाई को अंदर की तरफ टर्न करते हुए यहाँ इस बैंड कॉलर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जब हम यहाँ से टर्न लेते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। अब हम इस साइड पे कमीज को टर्न करेंगे और यहाँ सेंटर में सिलाई लगाएंगे। यूज़ हमने कॉलर के सेंटर में यहाँ पे डबल सिलाई लगाई है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यूज़ अब ये हमारा कॉलर मुकम्मल तौर पे रेडी है। तो अब हम यहाँ काज करवा के बटन लगाएंगे। व्यूज़ हमारा फुल सूट मुकम्मल हो चुका है। हमने यहाँ ब्लैकेट पे काज करवा के बटन लगा लिए हैं, कफ पे भी बटन लग चुके हैं। व्यूज़ हमने छोटी ब्लैकेट के लिए यहाँ कमीज़ के सेंटर से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए छोटी ब्लैकेट को अटैच किया और जिस साइड पे मार्जिन कम था इस साइड पे हमने बड़ी ब्लैकेट को अटैच किया। व्यूज़ पॉकेट के किनारों को गोल शेप देने के लिए हमने ये गत्ते का इस्तेमाल किया। इसकी मदद से हमने कपड़े को मोल्ड किया और पॉकेट के किनारों को गोल शेप दी। व्यूज़ हमारी साइड पॉकेट की लेंथ 14 इंच है और इसकी चौड़ाई 6 इंच है। व्यूज़ हमसे पूछा गया कि शलवार की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो ये हमारी शलवार की चौड़ाई यहाँ से 21 इंच है। जब आप इसको खोलेंगे इस तरह से तो ये 42 तक होगा। तो ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए कंफर्टेबल है। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा हेल्दी पर्सन है तो उसके लिए आप यहां से 23 या 25 तक ले सकते हैं। जब आप उसको खोलेंगे तो फिर वो 50 तक चला जाएगा। व्यूज़ नॉर्मल गेयर के लिए पल्ले की चौड़ाई हम यहां से 8 इंच लेते हैं और कुंदे के लिए हम यहां पे 2 इंच पे कट लगाते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा गेयर पसंद करते हैं तो फिर आप यहां से पल्ले की चौड़ाई 9 इंच तक और कुंदे के लिए 3 या 4 इंच तक कट लगा सकते हैं। व्यूज़ हमारी इनर लेग की लेंथ यहाँ से 26 इंच है। व्यूज़ हमने इस सूट से मतलब का हर बात को एक्सप्लेन कर दिया है।
व्यूर्स, मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये स्टिचिंग बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको हमारी ये स्टिचिंग पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए। तो टिल द एंड द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।